नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का। 13 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और एमबीए फाइनेंस हूँ। और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस का सेंचुरी प्लान। ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पे आपको पहले महीने से लेकर के 100 साल तक इनकम आती है। ये नॉन लिंक प्लान है, पार्टिसिपेटिंग प्लान है, जहाँ आपको बोनस के बेनिफिट भी मिलते हैं, मैच्योरिटी भी आती है। प्लस कंपनी ने एक बेहतरीन ऑप्शन दिया है फैमिली केयर का, कि सपोज वो वाला ऑप्शन आप ले लेते हैं और प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट फैमिली को तुरंत मिल जाएंगे, प्रीमियम भरने माफ हो जाएंगे। जो आपको इनकम आ रही थी 100 साल तक, वो इनकम कंटिन्यू रहेगी, मैच्योरिटी भी आएगी। तो इस प्लान की पूरी डिटेल्स में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये वीडियो देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित FFFS जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक। अब समझते हैं इस प्लान के सारे बेनिफिट एंड फीचर को। प्लान का नाम सेंचुरी प्लान है, जहां आपको 100 साल तक के लिए इनकम आती है और टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप अपने बेनिफिट के हिसाब से अपने जो बेनिफिट है उसको अक्यूमुलेट कर सकते हो, जब जरूरत पड़े तो निकाल भी सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको होल लाइफ तक इंश्योरेंस कवर मिलेगा। लीगेसी है फैमिली के लिए, क्योंकि मैच्योरिटी में बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिलता है। आपको कैश बोनस मिलेंगे जो कि 10% रहेंगे आपके एनुअल प्रीमियम का, अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो सुपर इनकम का। और अगर आप फ्यूचर इनकम का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो 30% मिलते हैं। इसमें तीन ऑप्शन है, तीनों को मैं डिटेल में आपको लिए एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा आप एक फैमिली केयर करके एक ऑप्शन है, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर वो वाला ऑप्शन लेते हो तो अगर जो प्रपोजर है उनकी डेथ हो जाती है, इन डेथ के सारे प्रीमियम भरने माफ हो जाएंगे, तुरंत इंश्योरेंस जो है वो फैमिली वालों को मिल जाएगा और जो इनकम आनी थी वो कंटिन्यू रहेगी और मैच्योरिटी भी आएगी। एंड इसके अलावा आप रिटायरमेंट के तौर के पर भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड अगर आप इनकम जो आ रही है उसको अक्यूमुलेट करना चाहते हो, जमा करना चाहते हो, तो जमा भी कर सकते हो, जब जरूरत पड़े तब आप निकाल भी सकते हो। तो ये कुछ इसके मेन पॉइंट है इस प्लान के। अब इस प्लान में तीन ऑप्शन दिए गए हैं आपको इनकम के, इसके हिसाब से एक तो सुपर इनकम ऑप्शन दिया गया है, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है उसका नाम है स्मार्ट इनकम ऑप्शन, तीसरा है फ्यूचर इनकम ऑप्शन। तीनों मेन यही है, इन तीनों ही ऑप्शन को अपन समझते हैं। इससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन ये पॉलिसी ले सकता है, प्रीमियम पेमेंट टर्म वगैरह क्या है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि पॉलिसी टर्म सारे ऑल प्रीमियम पेमेंट अवेलेबल है। फैमिली केयर ऑप्शन जो मैंने बता दिया इसका मीनिंग क्या होता है, विद फैमिली केयर ऑप्शन, विदाउट फैमिली केयर ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन वन लेते हैं सुपर इनकम का ऑप्शन, तो आपको मैच्योरिटी 80 साल तक मिलेगी, मैक्सिमम 80 की एज तक आप पॉलिसी ले सकते हैं। और विदाउट फैमिली केयर लेते हैं तो 100 ईयर तक आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। सेम स्मार्ट इनकम ऑप्शन में और फ्यूचर इनकम ऑप्शन में सेम इसी तरीके से रहेगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें, विदाउट फैमिली केयर ऑप्शन में आपको 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। इसके अलावा 12 और 15 साल भी आप प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। विद फैमिली केयर में भी आपको सेम इसी तरीके से प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। बात करें एंट्री एज की, तो 30 दिन के बच्चे से लेकर के 65 साल तक का व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। मिनिमम इंश्योरेंस कवर की बात करें तो 6 लाख रुपए है और विदाउट में आपको 2,40,000 का है। तो अब देखते हैं इन तीनों ऑप्शन को। सबसे पहला वाला ऑप्शन देखते हैं सुपर इनकम ऑप्शन करके। सुपर इनकम ऑप्शन में आपको क्या मिलेंगे, एक तो आपको मिलेगा सर्वाइवल बेनिफिट में गारंटेड कैश बोनस मिलेगा और एक कैश बोनस मिलेगा। गारंटेड कैश बोनस का क्या इसमें रूल्स रहेगा कि अगर आपने विदाउट फैमिली केयर बेनिफिट लिया हुआ और प्रीमियम पेमेंट टर्म आपकी 10 साल या उससे अधिक है तो प्रीमियम का 10% मिलेगा, नहीं तो 5% मिलेगा। विद फैमिली केयर बेनिफिट में अगर 10 साल से प्रीमियम ज्यादा भर रहे हो तो 5% ऑफ एनुअल प्रीमियम, नहीं तो 2% ऑफ एनुअल प्रीमियम आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको कैश बोनस मिलेंगे जो कंपनी हर साल डिक्लेयर करती है। तो इसको अब मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। मान लेते हैं एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अनिल राजपुरोहित, वो 35 साल के मेल हैं और ये वो पॉलिसी परचेज कर रहे हैं पीएनबी मेटलाइफ सेंचुरी प्लान, जिसमें वो 12 साल के लिए प्रीमियम पे करेंगे, 1,00,000 रुपए सालाना प्रीमियम पे करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सेलेक्ट किया है सुपर इनकम ऑप्शन, जो अपन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सुपर इनकम ऑप्शन लिया है जो कि 100 साल के लिए चलेगा और यहाँ पे उन्होंने फैमिली केयर बेनिफिट नहीं लिया है, इन दैट केस क्या रहेगा, और बोनस टाइप उनका कैश बोनस रखा है उन्होंने। और यहाँ पे एनुअल प्रीमियम 1,00,000 रुपए है, बेसिक सम एश्योर 10,00,000 रुपए का है पहले दिन से और डेथ बेनिफिट पहले दिन से 11,30,000 रुपए का है।
विद जीएसटी आपका प्रीमियम पहले साल 1,04,500 रुपये का आएगा, दूसरे साल से 1,02,250 रुपये आपको बढ़ने रहेंगे बाकी के 11 साल के लिए। अब देखते हैं किस तरीके से रहेगा। पहला 1,01,00,000 रुपये आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ गारंटेड बेनिफिट मिनिमम गारंटेड कैश बोनस, ये गारंटेड लिखा हुआ है। तो ये 10% जैसा कि मैंने बताया ना एग्जाम्पल में आपको, अगर प्रीमियम पेमेंट हम 10 साल से अधिक है तो 10% मिलेगा। तो यहाँ पे 1,00,000 का 10% 10,000 रुपये आपको मिल गया, प्लस आपको कैश बोनस मिलेंगे। कैश बोनस के लिए आपको 4% की कॉलम और 8% की कॉलम देख सकते हैं। तो मैं 8% की कॉलम से अगर बताऊं तो आपको 16,400 रुपये का कैश बोनस आएगा, कॉलम नंबर 11 में देखिए। तो 10,000 प्लस 16,400 हो जाएंगे 26,400, 26,400 रुपये आप कॉलम नंबर 15 में देखेंगे तो 1 + 11 + 12, तो 1 + 11 + 12 इन तीनों को जोड़ने के बाद आपकी जो इनकम आएगी 26,400, ये आपको सालाना पहले साल से ही इनकम आना शुरू हो जाएगा। और प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद आपकी इनकम यहाँ पे बढ़ जाएगी, जैसे यहाँ पे 52,300 रुपये हो रही है क्योंकि कैश बोनस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जो गारंटेड वाला 10,000 आ रहा था वो बंद हो जाएगा, और ये आपको इनकम आती रहेगी थ्रू आउट लाइफ टाइम के लिए इनकम आएगी। एंड मैच्योरिटी पे आप कॉलम देखिएगा, 1,76,70,000 रुपये आपको मैच्योरिटी मिलती है जो लीगेसी के तौर पे आप फैमिली में यूज कर सकते हैं। अगर 4% का बोनस दिया कंपनी ने तो 53,80,000 रुपीज की आपको मैच्योरिटी आएगी, लेकिन अगर 8% डिक्लेयर किया तो 1,76,00,000 रुपीज आपको मिल जाएंगे। इंश्योरेंस कवर भी पहले दिन से आपका रहेगा डेथ बेनिफिट, और ये डेथ बेनिफिट का कॉलम मैं आपको बता देता हूँ, कॉलम नंबर 19 आप देखिए, यहाँ आपका इंश्योरेंस कवर है 11,76,400, और ये थोड़े टाइम के बाद में बढ़ता हुआ जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते आप देखिए 17 लाख, 30 लाख, 32 लाख, 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है। इसके अलावा सरेंडर बेनिफिट का भी ऑप्शन दिया गया है, आप सरेंडर बेनिफिट का कॉलम भी देख सकते हैं कि अगर आप सरेंडर करने जाते हो तो उस समय क्या अमाउंट आपको मिलेगा। तो यह है पहला ऑप्शन जहाँ पे उन्होंने फैमिली केयर वाला ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया। अगर वो सेलेक्ट करते, सपोज यहाँ पे मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि अपने फैमिली केयर बेनिफिट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट किया, यस किया है, इन दैट केस क्या डिफरेंस आएगा। सेम आप यहाँ पे देखिए नीचे आइए, आपको जो इनकम 10% आने वाली थी ना, ये वो 5% आएगी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि आपको 5% इनकम आएगी अगर आपने फैमिली केयर वाला सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपको 5% ये इनकम आएगी। एंड आपको कैश बोनस भी आएंगे, तो कैश बोनस आप यहाँ पे देखेंगे तो 16,000 की जगह 14,000 रुपये ये आएंगे, तो टोटल आपको 26,000 आ रहा था, यहाँ पे 19,721 रुपये आएंगे। यहाँ पे आपको 52,000 आ रहे थे, यहाँ पे आपको 39,000 ही आएंगे अगर ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं। और मैच्योरिटी पे 1,77,00,000 समथिंग कुछ आ रहा था, यहाँ 1.66 करोड़ रुपीज आपको मिलेंगे। तो ये लेकिन यहाँ ये वाला ऑप्शन लेने से क्या बेनिफिट रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने 3 प्रीमियम भरे, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, इन दैट केस 11,50,000 रुपये फैमिली को तुरंत मिल जाएंगे, बाकी के 9 प्रीमियम थे वो भरने माफ हो जाएंगे, कंपनी भरेगी, पीएनबी मेटलाइफ भरेगी, आपको जो इनकम आ रही है ये 19,721 की, उसके बाद में 39,068 की ये कंटिन्यू रहेगी, और जो मैच्योरिटी पे आपको 1,67,00,000 मिलने वाले थे वो भी मिलेंगे। तो अब आपको सेलेक्ट करना है कि ये इनकम आपको 39,000 चाहिए या 52,000 चाहिए, लेकिन अगर डेथ हो गई तो कौन से वाला ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ये आप अपनी नीड के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, स्मार्ट इनकम ऑप्शन। इसमें वो गारंटेड वो नहीं इनकम आती है, इसमें बोनस ही आपको मिलते हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं कि कस्टमर है वो 35 साल के और वो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं इस बार स्मार्ट इनकम वाला, और यहाँ पे फैमिली केयर बेनिफिट नहीं ले रहे, कैश बोनस वो सेलेक्ट कर रहे हैं, 1,00,000 रुपये का ही वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस आएगा देखिए, गारंटेड बेनिफिट में आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप बोनस में देखेंगे तो आप 33,750 रुपीज़ का आपको बोनस 33,750 पहले साल से ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा, प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद आपका इनकम बढ़ता हुआ जाएगा, एंड मैच्योरिटी पे 1,67,30,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो समय समय पे आपकी इनकम भी बढ़ती हुई जाएगी। अगर आप यहाँ पे फैमिली केयर बेनिफिट ऑप्शन ले लेते, यस कर लेते हैं, तो आपको इनकम कितना आता,
25,000 रुपये का, फिर बढ़ करके 30,000 हो जाता, फिर बढ़ते बढ़ते 35,000 हो जाता एंड 42,000 मैक्सिमम जाता है। मैच्योरिटी में 1,56,00,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन वही अगर डेथ हो जाती है प्रीमियम भरने माफ हो जाएंगे, 11,50,000 तुरंत मिलेंगे, 25-30,000 की इनकम कंटिन्यू आती रहेगी। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे भी मिलेंगे। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 फ्यूचर इनकम ऑप्शन की। फ्यूचर इनकम ऑप्शन में आपको और दो चीज़ें मिलेगी, एक गारंटेड बेनिफिट मिल रहा है वो भी मिलेगा, कैश बोनस भी मिलेगा, प्लस एक फिक्स इनकम का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर ये बात करें कि आपको गारंटेड कितना मिलेगा, तो एनुअल प्रीमियम का 30% मिलेगा और विथ फैमिली केयर में आपको 10% मिलेगा। और जो आपको फिक्स इनकम की जो डेफिनेशन है, आपके जितने भी एक्यूट सिंपल बोनस जमा हुआ है डिवाइडेड बाय फिक्स इनकम पीरियड, फिक्स इनकम पीरियड जो रहेंगे 100 साल की अगर आपकी पॉलिसी टर्म है तो 30 साल फिक्स इनकम पीरियड रहेंगे, और अगर 80 ईयर की पॉलिसी टर्म है इन दैट केस आपको 20 साल के लिए फिक्स इनकम टर्म रहेगा। तो ये मैं भी आपको समझा देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में फ्यूचर इनकम ऑप्शन लिया हुआ है, 100 ईयर तक का पॉलिसी चलेगा, फैमिली केयर वाला ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए, पहला तो आपको 1 लाख का 30%, 30,000 रुपये आना शुरू हो गया इनकम। दूसरा आपको कैश बोनस है, जो कैश बोनस आपको यहां पे दिखेगा कॉलम नंबर 11 में 76,600 रुपीज का। और तीसरा है फिक्स इनकम। फिक्स इनकम किसका होता है? फिक्स इनकम मिलता है एक्यू रिवेजनरी बोनस है, ये जो टोटल उस समय तक जितने डिक्लेयर हुए हैं डिवाइडेड बाय फिक्स इनकम टेन्योर। सपोज 2,88,400 आपके जमा हो रखे थे, डिवाइडेड बाय 30 ईयर करेंगे तो 9,613 रुपये आएंगे। तो इस तरीके से आपको 9,613 प्लस 76,600 प्लस 30,000, इन तीनों को ऐड करके आपको फ्यूचर इनकम आएगी। तो इन तीनों को ऐड करने पर आपको 1,16,213 रुपये मिलते हैं। यहाँ आप कॉलम में देख भी सकते हैं कि ये कहाँ से आई, 1 प्लस 11 प्लस 12 आप करेंगे तो ये वाली इनकम आपको प्राप्त होगी 1,16,213 रुपये। ये इनकम आपको आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये इनकम 15 साल पे शुरू होगी, पहले साल से शुरू नहीं हो रही है। एंड मैच्योरिटी पे आपको 75,00,000 रुपये मिलेंगे। अब इस पॉलिसी में भी, इस ऑप्शन में भी अगर आप फैमिली बेनिफिट केयर ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, अगर आप इस ऑप्शन पे यस कर लेते हो तो क्या बेनिफिट रहेंगे कि यहाँ पे आपको जो इनकम आने वाली थी 1,16,000 रुपये, उसकी जगह 81,000 रुपीज की इनकम आएगी। और मैच्योरिटी पे आपको 75 की जगह 1,18,00,000 रुपये आ रहे हैं, पहले वाले में जो आ रहा था मैच्योरिटी 75 लाख ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको 1,18,72,000 रुपये आ रहे हैं, लेकिन 4% में सिर्फ 9,42,000 है। तो इस तरीके से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको तुरंत इनकम चाहिए या फ्यूचर में इनकम चाहिए, पहले महीने से इनकम चाहिए, 15 साल के बाद में चाहिए। ये जो इनकम आ रही है उसको अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहे, जमा करना चाहे तो आप जमा भी कर सकते हो, फिर निकालना चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से आपको वह बेनिफिट मिलेगा। और कोई बेनिफिट इस पॉलिसी में है तो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेनिफिट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैच्योरिटी बेनिफिट आपको बता चुका हूँ, फैमिली केयर बेनिफिट का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ, डेथ बेनिफिट का कॉलम आपको मिलेगा देखने के लिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड बोनस कंपनी हर साल डिक्लेयर करती है वो भी बता चुका हूँ। लोन भी अवेलेबल है इस पॉलिसी में, सरेंडर वैल्यू का 80% तक आपको लोन मिलेगा। इसमें राइडर्स भी हैं, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर हैं, 10 क्रिटिकल इलनेस का राइडर कंपनी ने आपको इस पॉलिसी में प्रोवाइड किया है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म है एंड फ्री लुक पीरियड भी 15 डेज का रहेगा, ग्रेस पीरियड भी आपको 30 डेज का मिलेगा। सरेंडर बेनिफिट आप देख सकते हैं, रिवाइवल आपको 5 साल का साल टाइम मिलेगा कि आप पॉलिसी अगर किसी कारणवश टाइम पे नहीं भर पाए तो आप 5 साल में कभी भी सारा पैसा एक साथ में लेकर के पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं। 15 दिन का फ्री लुक पीरियड है, इनकम टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा इस पॉलिसी में। तो अगर वीडियो पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFF जरूर से सब्सक्राइब करें, उसमें 300 से ज़्यादा ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस के वीडियो अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे भी जा करके सेम इसी तरीके के प्रोडक्ट्स के भी दूसरी कंपनी के वीडियोज़ बने हुए, वो भी आप एक बार कंपेयर कर सकते हैं कि आपके लिए बेटर कौन सा रहेगा।
थैंक यू सो मच, जय हिंद।